आइए अब हम देखते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ विशेषताएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पहली जो विशेषता है वो कहती है कि लघु उद्योग सामान्यतः एक व्यक्ति का कार्य है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया और परिभाषित भी किया कि जो लघु उद्योग हैं उनमें उनका संचालन स्वतंत्र रूप से जो लघु उद्योग जिसने प्रारंभ किया है उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो लघु उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हम इसको एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हम टीवी की ही बात करें, जो टीवी होता है या कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम कह सकते हैं, वो जो हैं वो एक बार में कंप्लीट जो है होना या उसको बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो लघु उद्योग हम कह सकते हैं, ये कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, इन लघु उद्योगों से इकट्ठा किया जाता है और बाद में उन डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके या जोड़ करके एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट या उत्पाद बनाया जाता है। तो जैसे कि पहली विशेषता यह है कि जो लघु उद्योग है सामान्यतः एक व्यक्ति का कार्य है, तो ये जो एक व्यक्ति होगा वो किसी भी उस एक पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, या एक उत्पाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए समझाया। तो इस तरीके से जो विभिन्न लघु उद्योग हैं वो अपने अपने उत्पाद के लिए या जिस यूनिक प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं, है ना, अंतिम उत्पाद को वो बना रहे हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी प्रकार हम दूसरी विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता कहती है कि बड़ी उद्योगों की तुलना में जो लघु उद्योग हैं उनमें पूंजी का विनियोग करने के बाद कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेपर फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, इनमें एक लिमिटेड मात्रा में जितनी पूंजी की आवश्यकता है जो कि एक बड़े इंटरप्राइज़ या बड़े उद्योग की तुलना में काफ़ी कम होती है, उसको लगाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर जो उत्पादन का कार्य है वह प्रारंभ किया जाता है। इनमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि इनमें बहुत सारे पेपर वर्क नहीं करने पड़ते और जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उनको मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उनका अरेंजमेंट करने में टाइम लगे, साथ ही साथ उनके लिए अलग अलग तरीके से कानूनी रूप से उसको प्रोसेस करने में समय लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लघु उद्योग होते हैं उनमें जो पूंजी का विनियोग होता है वो बड़े उद्योगों की तुलना में कम होते हैं और इनमें पूंजी का विनियोग करने के तुरंत बाद इन्हें प्रारंभ किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात आती है तीसरी, इसकी विशेषता हम चर्चा करेंगे। तीसरी विशेषता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीसरी विशेषता कहती है कि लघु उद्योगों को प्रायः स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखकर कार्य करता है। एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि साड़ी का व्यवसाय लें। ठीक है, अब साउथ की सिल्क है ना, साउथ की सिल्क या कलकत्ता में जो कॉटन की साड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, दोनों ही अलग अलग मटेरियल के हैं, लेकिन ये जो दोनों उत्पाद हैं या दोनों प्रकार की साड़ियाँ हैं उस क्षेत्र की स्पेशलिटी है या उस स्थान पर जो आसानी से रॉ मटेरियल मिल सकता है या उस स्थान की जो खासियत है उसको बताती है। उसी तरीके से हम उन स्थानों की बात करें, जैसे कि हम गांव या देहातों की बात करें जहां पर बांस आसानी से अवेलेबल होता है, वो लोग बांस की टोकरियां, वॉस यानी छोटे छोटे खूबसूरत गमले और ऐसे प्रेजेंट की जाने वाली ट्रेज, ये सब बना करके उस पर सुंदर कलाकृति करके या उन्हें हम कह सकते हैं सुंदर पेंट करके इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से रखते हैं जिससे कि वो आसानी से बिक जाए और ना ही केवल राष्ट्रीय बाज़ार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे कि आप बांस के फर्नीचर्स को ही ले लीजिए, ये भी एक स्पेशलिटी है ना, जो कि हर उन क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पर बांस ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम आगरा के जूतों की बात करें या जूतियों की बात करें तो वो अपने आप में डिफरेंट है, हर तरफ
आप डिफरेंट ब्रांड्स देख सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स। लेकिन अगर हम विशेषता की बात करें, यूनिकनेस की, यूनिकनेस मतलब कुछ अलग, उसकी बात करें तो ये क्षेत्रीय लेवल पे ही हम पा सकते हैं। हम अब छत्तीसगढ़ में बात करें तो हम छत्तीसगढ़ में भी ऐसी यूनिक चीज़ों को डेवलप करते हैं। बस्तर आर्ट आपने जैसे सुना होगा, जो आर्ट बस्तर आर्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आर्ट सब जगह नहीं पाया जाता, ये यहाँ की यूनिकनेस है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सी खूबसूरत यूनिक चीज़ों का उत्पादन किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बिजनेस के रूप में, जिसे न कि राष्ट्रीय तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसका व्यवसाय किया जाता है। लेकिन इनका जो उत्पादन है वो एक स्मॉल बिजनेस की तरीके से ही किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इस जो विशेषता है उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि आप समझें कि जहाँ पर शक्कर का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, गुड़ का, शक्कर का, तो वहाँ पर बेकरी जैसी चीज़ें है ना, जहाँ पे स्वीट्स या मीठा अलग अलग वैरायटी में बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर के जो विशेषता है वो ये कहना चाहती है कि जो लघु उद्योग है प्रायः स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखकर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता कहती है कि अंत में लघु उद्योग दीर्घ उद्योग की तुलना में अधिक जल्दी परिवर्तन स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है, साथ ही साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों की अपेक्षा क्या करते हैं, ये श्रमिकों पर बेस्ड होते हैं, ये लोगों को बेरोज़गारी से बचाते हैं। अब जैसे ही चेंजेस आते हैं ये उसको तुरंत क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो उत्पादन के ही कॉन्सेप्ट में क्यों ना हो, या इन्वेस्टमेंट के बाद उस उद्योग को किस तरीके से बढ़ाया जाए इस कॉन्सेप्ट में ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता कहती है कि लघु उद्योगों के मालिक स्वयं प्रबंधक का कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने इसे पहले ही बताया कि जो लघु उद्योग होते हैं या स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो एक स्वतंत्र जो उद्योग की तरह कार्य करता है, और उसके जो प्रबंधक, जो संचालन जो होता है वो भी उसके प्रबंधक के ही हाथ पे होता है। मतलब होल एंड सोल जो पावर होता है वो उस व्यवसायी के हाथ में होता है जो उसका मालिक होता है। नेक्स्ट जो हम विशेषता देख रहे हैं वो अगली विशेषता वह कहती है कि बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों में श्रमिकों की प्रधानता व पूंजी का कम विनियोग रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक हम जैसे कि चर्चा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कम मात्रा में पूंजी का विनियोग किया जाता है, यानी कैपिटल को कम मात्रा में इन्वेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रमिकों की संख्या होती है वो सीमित होती है। लघु उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 श्रमिक इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बीड़ी उद्योग जैसे मैंने बताया, ये इसके अलावा मसालों का, महाराष्ट्र में मसालों का बहुत बड़ी मात्रा में जो है व्यवसाय चलता है, यहाँ पे वे लघु उद्योग के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ हम अचार पापड़ की बात करें तो यहाँ पे भी श्रमिक महिलाएं या श्रमिक काम करते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो 600 से 700 के बीच हो सकती है, अधिकतम मात्रा में उससे ऊपर नहीं जाती। और इसमें जो लगने वाली पूंजी होती है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पूंजी है वो उसी हिसाब से लगती है, क्योंकि जो उत्पाद है वो उतना कॉस्टली नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता कहती है कि लघु इकाइयों को उपलब्ध साधनों से कहीं भी जहां साधन जैसे माल, श्रमिक इत्यादि उपलब्ध हो प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, लघु व्यवसाय की बात कर रहे हैं। कोई भी नया लघु व्यवसाय तभी हम शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हम, वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन उस स्टार्टअप को या लघु व्यवसाय को शुरू करने से पहले जो है ज़रूरत है वो संसाधन हमें मिल जाए। उसके लिए हम रॉ मटेरियल या कच्चा माल कह सकते हैं, श्रमिक कह सकते हैं, किस तरीके की भूमि की आवश्यकता है, किस तरीके की मशीनों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए, जो भी हमारे दिमाग में है, हम किस तरीके का लघु व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उस तरीके की ज्योग्राफिकल एरिया को है ना हम सेलेक्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन लघु इकाइयों को प्रारंभ कर सकते हैं या इनका प्रारंभ कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ विशेषताएं थी लघु एवं कुटीर उद्योगों की। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि
लघु उद्योगों की भूमिका या महत्व क्या है? लघु उद्योगों की भूमिका या महत्व, ये हम जानेंगे कुछ स्टेटमेंट्स के द्वारा। जैसे कि स्क्रीन पर पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपिता ने दिया है, महात्मा गांधी जी ने। उनके अनुसार भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में ही है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, जो योजना आयोग है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। वे कहते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कमी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आइए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने दी है। उनके अनुसार ऐसे उद्योग से देहाती लोगों को अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं, जो कि है ना पूर्ण तथा अंशकालीन रोजगार मिलता है। तो ये कुछ जो हैं ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो कि ये परिभाषित करते हैं या स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो लघु उद्योग हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो लघु उद्योग हैं वो किस तरीके से जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे राष्ट्र को एक यूनिकनेस प्रदान करते हैं, है ना, एक सबसे अलग डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इनके महत्व को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला बिंदु कहता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र को बिलोंग करते हैं या ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जो अभी भी विकासशील है, या हम कह सकते हैं हम विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत रहते हैं। और यहाँ की जो 50% से ऊपर की जो जनसंख्या है वो टोटली निर्भर करती है किस पर? कृषि पर। अब जो कृषि है वो पूरे साल तो लोगों को जो है रोज़गार प्रदान नहीं कर सकती या उनकी जीविका के लिए धन तो नहीं दे सकती। तो अब इस स्थिति में जो होता है, जो ये लघु व्यवसाय होते हैं ग्रामीणों को उनकी जीविका को प्रदान करने में, रोज़गार देने में और उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है। जो अगला बिंदु कहता है वो है कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी। बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% से ज़्यादा या लगभग 60% के लगभग भी जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है। और जैसे जैसे हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि कृषि से जो होने वाले लाभ हैं उनमें कमी आती जा रही है और लोगों में रोज़गार की कमी भी हो गई है। और उन्हें अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है वो धन में भी कमी आ गई है। तो ये लघु व्यवसाय ही वो रहा है जो कि इस समस्या से बाहर निकालने का काम करते हैं ग्रामीणों को या लोगों को रोज़गार प्रदान करके। अगला महत्व कहता है कि व्यक्तित्व एवं कला का विकास। बिल्कुल सही है, ये जो लघु व्यवसाय हैं ये व्यक्तित्व एवं कला के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कला को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप अलग अलग, जैसे मैंने साड़ियों का उदाहरण दिया, यहाँ हम बनारस की साड़ी की बात करें तो वहाँ की जो कला है वो एकदम डिफरेंट है। उसी तरह मैंने आगरा की जूतियों की बात की थी तो वो भी एकदम डिफरेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें मुरादाबादी बर्तनों की तो वो भी एक डिफरेंट कला है। ऐसे ही हमारे देश में ऐसे कई प्रदेश हैं, ऐसी कई जगह हैं जो कि अपने यूनिक डिफरेंट है ना अलग खूबसूरत चीज़ों को जो कि लघु व्यवसाय के रूप में सबके सामने रखते हैं, है ना, उसके लिए जो हैं सामने आती हैं। और साथ ही साथ अगर हम व्यक्तित्व के विकास की बात करें तो ये जो है कला को तो विकसित करती है, साथ ही साथ वहाँ रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व की का भी विकास करती है, उनमें कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करती है, वहाँ की लोकेलिटी को भी डेवलप करती हैं, जिससे कि वहाँ पर इन वस्तुओं का विक्रय से ही केवल अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आता बल्कि साथ ही साथ इनकी वजह से भी क्या होता है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है, है ना। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे होती हैं जो इतनी आकर्षित हो
करती हैं लोगों को कि लोग केवल उन वस्तुओं को देखने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए, उन वस्तुओं को अपने घर में सजाने के लिए ही वहाँ तक जाते हैं और उन वस्तुओं को खरीद कर लाकर अपने घरों में सजाते हैं या उनका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तित्व एवं कला के विकास को हम समझ सकते हैं। आगे अगले महत्व को देखें तो अगला महत्व कहता है बड़ी उद्योगों के लिए सहायक या पूरक। अब कई बार जैसे मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया कि जो लघु व्यवसाय होते हैं वो एक सहायक उद्योग की तरह भी कार्य करते हैं। किस तरीके से ये क्या करते हैं, उन उद्योगों को जो अपना बनाया गया उत्पाद है वो कच्चे माल के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो छोटे उद्योग हैं कच्चे माल के रूप में प्रदान करते हैं और वो बड़े उद्योग इन कच्चे माल को उपयोग करके अपने इंडस्ट्री में एक पूरा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको विक्रय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर उस उद्योग को चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टीवी का ही एक एग्ज़ाम्पल दिया, या किसी हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को लेते हैं जिसमें छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स रहते हैं उनको लघु व्यवसायियों के द्वारा या लघु उद्योगों के द्वारा डेवलप किया जाता है या उनका निर्माण किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है, अब उनकी जो पेरेंट कंपनी होती है या उस प्रोडक्ट को जो पूरी तरीके से बना ले उसको सौंप दिया जाएगा। अब लघु उद्योगों के द्वारा जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को एक बड़े प्लांट को दिया जाता है, वो प्लांट्स क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके उस पूरे प्रोडक्ट को कम्प्लीट या पूरा करती है या उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को पूरा करती हैं और एक पूरे स्पष्ट रूप में उसे बना करके उसे मार्केट में उतारती है, न कि इंटरनेशनल मार्केट में बल्कि नेशनल मार्केट या राष्ट्रीय बाज़ार में भी उसका विक्रय करती है। तो इस तरीके से हमने देखा इसके चौथे महत्व को। पांचवें महत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा महत्व कहता है कि बेरोज़गारी व अर्ध बेरोज़गारी में कमी। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कृषि से जोड़ करके कि कृषि पूरे समय जीविका के लिए धन नहीं दे सकती, तो ऐसी ही स्थिति में अगर हम कृषि को न लें इसके अलावा भी देखें तो क्या होता है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं जब उनके पास काम नहीं है वे लोग अर्ध बेरोज़गार कहलाएंगे, ठीक है। तो वो लोग जब खाली हैं उस समय में इन लघु उद्योगों में, ठीक है, अपने कला को या अपने कौशल को या अपने समय को दे सकते हैं और अपनी उस समय की बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरीके से इस लघु व्यवसाय में संलग्न हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनका रोज़गार इन्हीं लघु व्यवसायों से चल रहा है या लघु उद्योगों के माध्यम से चल रहा है और दूसरा कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है जिनसे उनको रोज़गार मिले और उनकी जीविका वो अर्जन कर सकें। तो इस तरीके से जो लघु व्यवसाय हैं वो बेरोज़गारी व अर्ध बेरोज़गारी में कमी लाती हैं। आगे अगले महत्व की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्व कहता है कि औद्योगिक वर्गीकरण। अब ये कैसा होता है, जैसे कि कुछ बिंदु हैं उनसे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि लघु उद्योग जो हैं स्थानीय कच्चे माल को क्रय कर स्थानीय व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ विदेशी आक्रमण के समय ये उद्योग जो हैं सुरक्षित रहते हैं, साथ ही साथ लघु उद्योगों के स्थान पर भीड़ नहीं रहती और प्रादेशिक असमानता कम करने में सहायक होते हैं। तो औद्योगिक वर्गीकरण हम इससे समझ सकते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं कि ये जो उद्योग हैं आंतरिक रूप से देश को आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं क्योंकि उन पर किसी बाह्य शक्ति या बाह्य देश का प्रभाव नहीं होता। दूसरी चीज़ प्रादेशिक भिन्नता होती है उसको समानता में बदलने में ये मदद करते हैं, अपने देश को यूनिक बनाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय कच्चे माल हैं उनको वो क्या करते हैं, क्रय करते हैं जिससे स्थानीय लोगों को भी वो सुविधा प्रदान करते हैं। किस प्रकार से, वो उनको धन देते हैं और इस तरीके से उनको किसी न किसी प्रकार से उनका धनार्जन होता है। तो बच्चों ये कुछ जो है महत्व थे, आइए हम इनके महत्व को और अच्छी तरीके से जानते हैं और अगले बिंदुओं पर इनकी चर्चा करते हैं। हम अगले महत्व की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला महत्व जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आयात पर कम निर्भरता। बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कैपिटल हैं यानी पूंजी है ना, इन सब चीज़ों के लिए हमें बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
लघु व्यवसाय का मेन कॉन्सेप्ट यही है या उसकी मुख्य अवधारणा यही है कि जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं उनको किस तरीके से, या जो ऐसी वस्तुएं जो कि अपने ही देश में मिल जाएं उनको आप किस तरीके से इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरीके से हम नई वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो जिससे कि यहाँ पे जो आयात पर जो निर्भरता होती है वो समाप्त हो जाती है। अगला महत्व कहता है कि आय के समय वितरण में सहायक। इस स्थिति में होता ये है कि यहाँ पर जब आय की बात आ रही है तो किन की आएगी, श्रमिकों की आएगी। तो जो वितरण होता है, आय का वितरण होता है, वो एक समान होता है और यहाँ पर श्रमिकों का शोषण नहीं होता। अगले महत्व को देखें तो वो कहता है शीघ्र उत्पादन उद्योग। ये जो लघु उद्योग होते हैं, क्योंकि ये कम पूंजी लगाने के बाद तुरंत इन्हें प्रारंभ कर दिया जाता है, जैसे कि हम बड़े उद्योगों में नहीं कर सकते, तो इनके शुरू होने में कभी कभी कुछ महीनों का समय लगता है और कभी कभी क्या होता है ये कुछ दिनों में ही ये लघु उद्योग प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं शीघ्र उत्पादन उद्योग भी होते हैं। यहाँ पे उत्पादन कार्य जो है बड़े उद्योगों की अपेक्षा जल्दी होना शुरू होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है या महत्व है वो कहता है कि कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। यहाँ पर जो होता है इन तरीके की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत रिक्वायर्ड नहीं होती। जो श्रमिक हैं उनको आवश्यक रूप से तकनीकी ज्ञान दे करके, जितना आवश्यक है एक्स्ट्रा नहीं, उतना दिया जाएगा यदि तो भी वहाँ का काम हो जाएगा। मतलब बहुत तकनीकी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगले महत्व को देखें तो कहता है कि औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति। अब औद्योगिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? श्रमिकों की हड़ताल करना, कारखाने में तालाबंदी होना, या श्रमिकों के बीच जो वेतन है, वेतनमान है, उसको वृद्धि के लिए, उसकी वृद्धि को लेकर के कोई डिस्प्यूट उठना, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से लघु व्यवसाय को मुक्ति मिलती है। अगला बिंदु कहता है कि विदेशों का अनुभव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लघु व्यवसाय है वो एक यूनिकनेस देते हैं, अपने आप को अलग रूप से प्रेजेंट करने को देते हैं। हर एक देश का अपना एक व्यवसाय होता है। यहाँ पर जो लोग हैं दूसरे देशों के, यानी विदेशी लोग, वो जो इन वस्तुओं से आकर्षित होते हैं और यहाँ पर आ करके उन चीज़ों का अनुभव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सुंदर सा, एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि आप आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखने के बाद आप जब बाहर आते हैं तो वहाँ पे जो छोटी छोटी शॉप्स या दुकानें होती हैं वहाँ पर खूबसूरत संगमरमर का काम आपको मिलता है। छोटे छोटे रूप में ताजमहल बने हुए मिलते हैं, इसके साथ साथ और भी कई खूबसूरत कलाकृतियाँ मिलती हैं जिसे देख करके, जो कि स्पेशली जो है उस हम कह सकते हैं संगमरमर से बनी होती है, संगमरमर के सफ़ेद पत्थर से बनी होती है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत उसमें नक्काशी की जाती है। इन सभी चीज़ों से जो होता है वहाँ जो पर्यटक के लिए विदेशी लोग आते हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं और अपना अनुभव करते हैं, साथ ही साथ उन चीज़ों को खरीदते हैं और अपने लिए ले जाते हैं साथ में। ये तो एक छोटा सा उदाहरण हुआ। ऐसे ही कई ऐसी वस्तुएं हैं जो कि विदेशी अनुभव करते हैं, जैसे यहाँ की साड़ियाँ, यहाँ के कपड़े, यहाँ का ड्रेसिंग मटेरियल हम कह सकते हैं। जैसे कि पंजाब में जाएंगे अलग अलग तरीके के कुर्तों के कपड़े, सूट है ना हम कह सकते हैं, जैसे खूबसूरत वहाँ पे नक्काशी या कारीगरी की जाती है, वैसे ही बनारस का सिल्क देखेंगे वो अपने आप में खूबसूरत होता है। कलकत्ता का कॉटन देखेंगे तो उसकी सादगी देख कर के ही जो है स्त्रियों का मन मुग्ध हो जाता है। इसी तरह आप साउथ का सिल्क देखेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है, महाराष्ट्र की पैठणी देखेंगे तो उसकी बात और भी डिफरेंट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में यूनिकनेस देती हैं, ये सब वस्त्र ही हैं लेकिन ये हर जगह की अपनी यूनिकनेस और इम्पोर्टेंस को बताती हैं। यहाँ से जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा भी मिलता है और विदेशियों को
हमारे देश की कल्चर संस्कृति को जानने का मौका भी मिलता है और उसको अनुभव करने का भी मौका मिलता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु कहता है कि स्थानीय साधनों का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, जो क्षेत्र में उस स्थान पर जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका उपयोग, बंजर ज़मीन पड़ी है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, जो रॉ मटेरियल या कच्चा उत्पाद मिल रहा है या जो हम कह सकते हैं ऐसे रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको किस तरीके से उपयोग किया जाए, वहाँ के जो लोग हैं उनको श्रमिकों के रूप में किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। ठीक है, मान लीजिए हम मोमबत्तियों की ही बात करें, एक छोटा सा मोमबत्ती का कारखाना बना लेते हैं, वहाँ पे श्रमिकों को ज़मीन पर एक कारखाना बना के दिया गया, वहाँ पे मोमबत्तियों से सुंदर सुंदर डिज़ाइन में और खुशबूदार कैंडल्स का बनाया गया, उसका निर्माण किया गया, इससे क्या होगा, एक व्यवसाय में वृद्धि होगी, है ना। इस स्थिति में क्या किया गया कि वहाँ पर यानी स्थानीय जितने भी संसाधन हैं उनका कितनी अच्छी तरीके से उपयोग किया गया और उन वस्तुओं का उपयोग करते हुए कितने अच्छे तरीके से जो है उसको आय में बदला गया, लोगों को किस तरीके से उसका उपयोग करके रोज़गार दिया गया, ये बात इसमें स्पष्ट होती है। अगली बात आती है जो कि अगला महत्व और अंतिम महत्व है, वो कहता है निर्यात में सहायक। ये जो लघु व्यवसाय हैं ये क्या करते हैं, आयात को तो रोकते ही हैं, उनके लिए आयात आवश्यक नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जो कि दूसरे देशों में उपलब्ध नहीं है और ये क्या करते हैं, निर्यात में सहायक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अलग अलग साड़ियों के उदाहरण दिए, आप खादी मटेरियल जानते हैं जो कि हमारे देश में बापू ने जिसे स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने, खादी बहुत अच्छे से जानते हैं, खादी उद्योग को आप जानने लग गए, यहाँ से जो खादी का कपड़ा बाहर जाता है, कॉटन जो यहाँ पर देश में बनता है छोटे उद्योगों के रूप में वो सामने आता है, यहाँ से जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो बांस से खूबसूरत ट्रेस और इसके अलावा जो खूबसूरत डोलची बनाई जाती है उसको किस तरीके से खूबसूरत बना करके फलों को, ड्राई फ्रूट्स को लोगों को प्रेजेंट किया जाता है, ना कि हम अपने देश में ही दिवाली दशहरा जैसे त्योहारों में, बल्कि जो दूसरे लोग देश के लोग हैं वो भी इन तरह के गिफ्ट्स का यूज़ करते हैं लोगों को क्या है, एक गिफ्ट्स के रूप में देने में। आपने देखा ही होगा कि खूबसूरत डोलचियों में जो चॉकलेट्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स यानी फल होते हैं उनको कितनी खूबसूरत उनकी पैकिंग की जाती है और साथ ही साथ इस खूबसूरत पैकिंग की वजह से क्या होता है, वो जो चीज़ें हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस यानी महत्वता बढ़ जाती है। तो जो ये लघु उद्योग हैं वो क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आया कि न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही लोगों को बेरोज़गारी और अर्ध बेरोज़गारी से बचाते हैं और साथ ही साथ अपनी यूनिकनेस के कारण जो देश विदेश है उसमें अपनी वस्तुओं को विक्रय करते हैं और विदेशों को यहाँ की चीज़ों को अनुभव करने का मौका देते हैं और निर्यात में सहायक होते हैं, जिससे कि जो बाहर की जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश में आए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी महत्वता को जाना। आइए हम अगले हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है ग्रामीण भारत के छोटे व्यवसाय की भूमिका, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा देश है वो लगभग 60% गाँव में बसा हुआ है, या जो हाँ यहाँ के लोग हैं वो लगभग 60% तक गाँव में बसे हुए हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी है, लोग कृषि पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं, या हम कह सकते हैं बेरोज़गारी और अर्ध बेरोज़गारी दोनों हैं, लोग कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंड या निर्भर करते हैं जिससे कृषि पर दबाव बनता है। अब चूंकि जो भारत है कृषि प्रधान देश है तो लोग अगर बेरोज़गार रहेंगे, उनके आय के साधन में वृद्धि नहीं होगी तो अपने आप भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था को ये लघु व्यवसाय ग्रामीण रूप से किस तरीके से मदद करते हैं, आइए हम देखते हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि पहला बिंदु आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला बिंदु कहता है अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो है वो लोगों को बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी से बचाता है। लोग जो ऑलरेडी कृषि में एंगेज हैं, बिजी हैं, वो जिस समय अपना समय खाली हैं, कृषि से फ्री हैं, वो उस समय को अपना उपयोग करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं इस तरीके के लघु व्यवसाय में काम करके, ठीक है, या अपने लघु उद्योगों में अपने समय को देकर के। और जो लोगों के पास अन्य कोई कार्य नहीं है वो अपने पूरे समय को इन लघु उद्योगों में देख करके अपने आय के साधन को बढ़ा सकते हैं, अपनी जीविका के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। तो जिससे स्पष्ट है कि ये जो लघु व्यवसाय हैं ये ग्रामीण लोगों को रोज़गार प्रदान करने का काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अगला बिंदु कहता है कि आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल, अगर लोगों को आय का साधन मिलेगा, उनको जीविका अर्जन के लिए उनको और भी अलग अलग प्रकार के अगर राह मिलेंगे तो इससे क्या होगा, जब लोगों की जीविका ऊपर बढ़ेगी या उनका लाइफस्टाइल आगे बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा ये कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यहाँ देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगला बिंदु कहता है कि कारीगरों के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, किन के लिए, आर्टिशंस के लिए। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने अलग अलग विभिन्न प्रदेशों की साड़ियों की बात करी, अलग अलग कलाकृतियों की बात करी, तो हमारे देश में जैसे कि आप जानते हैं विविधता पाई जाती है। यहाँ हर एक प्रदेश में, हर देश के हर एक कोने में एक आर्ट विद्यमान है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही क्यों ना हो। हमारा देश बहुत खूबसूरत है और इस देश की विविधता को बनाते हुए, इस देश की महत्वता को बढ़ाते हुए क्या होता है, जो कारीगर हैं उसकी कल्चर को सामने स्पष्ट करते हैं, न कि केवल अपनी कला से बल्कि उस कला को इतनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने देश के लिए विदेशी मुद्रा के अरेंजमेंट्स में मदद करता है। हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं और अगला बिंदु कहता है संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये कैसे होगा, जिस रीजन में जिस तरीके के लघु व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है वो अपने आप ही विकसित होगा, क्योंकि वो एक तो लोगों को रोज़गार प्रदान करेगा, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो चीज़ें यूज़ में आ सकती हैं और यूज़ में नहीं आ रही हैं उनका उपयोग करके क्या किया जाएगा, उस रीजन को या क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। वहाँ पे लोगों को जो बेरोज़गार है रोज़गार दिया जाएगा, जो भूमि बंजर पड़ी हुई है जिनका कुछ उपयोग नहीं है वहाँ पर लघु व्यवसाय स्थापित करके उस भूमि का उपयोग में लाया जाएगा। वहाँ पर जो संसाधन, रॉ मटेरियल, कच्चा माल उपलब्ध है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए और एक नया खूबसूरत और काम में आने वाला जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से बनाया जाए, ये जो है लघु व्यवसाय का कार्य है। और ये जो व्यवसाय है जो रीजनल डेवलपमेंट में मदद करते हैं, या हम कह सकते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद करते हैं। अगला बिंदु जो है वो कहता है जीवन स्तरों में सुधार, है ना, प्रमोशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब कैसे, अब जैसे ही लोगों को जीविका जीने के लिए आय के और अधिक साधन मिलते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़ता है, ठीक है, वो और भी चीज़ों को ख़रीदने लगते हैं, साथ ही उनके खर्च करने का तरीका, उनको जीवन जीने का तरीका सब में सुधार आता है। तो जैसे जैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके आय के साधन बढ़ेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इस स्थिति में क्या होगा, ये कुल मिलाकर के बढ़ावा देता है अपने देश की आर्थिक स्थिति को, मजबूत करता है अपने देश की आर्थिक स्थिति को। अगला बिंदु हम देखते हैं, अगला बिंदु कहता है स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, बेटर यूटिलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भूमि है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, व्यक्ति या श्रमिक, उनका किस तरीके से अच्छा उपयोग में लाना, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से हम जो रॉ मटेरियल्स या कच्चा माल मिल रहा है उसको किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हम किस तरीके से इन रिसोर्सेस या संसाधनों का उपयोग करके एक अच्छे उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, और न ही केवल उसे नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय
तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उसके विक्रय को बढ़ा सकते हैं या इससे अपने देश के प्रतिबिंब या कल्चर को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। ये लघु व्यवसाय के जो हम कह सकते हैं जो ग्रामीण भारत के छोटे व्यवसाय में ये व्यवसाय मदद करते हैं। अगले किस प्रकार से मदद करते हैं आइए हम देखते हैं। जो कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो है कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस दबाव को कम करने में ये जो लघु व्यवसाय हैं वो मदद करते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं लोगों को बेरोज़गारी से दूर करते हैं, उनको रोज़गार प्रदान करते हैं। अगला जो बिंदु है वो कहता है आय का समान वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े उद्योगकर्मी हैं वो बड़े उद्योगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता, लेकिन हम जब लघु व्यवसाय की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आय का वितरण होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पर शोषण नहीं होता, हम कह भी सकते हैं श्रमिकों का, श्रमिकों को डिसाइडेड अमाउंट जो पहले से रहता है वो दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि अपने श्रमिकों को खुश रखा जाए जिससे कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो करते रहें। और साथ ही साथ लघु व्यवसाय की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य है वो हमेशा पूरा होता रहे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ग्रामीण भारत के छोटे व्यवसाय की भूमिका क्या है। आइए अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लघु उद्योगों की समस्याएं। अब कौन सी समस्याएं हैं जो इन लघु उद्योगों को देखना पड़ता है या उनका सामना करना पड़ता है, आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं। जो पहली समस्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है वित्त की समस्या। ये बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते समय। जब हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात आती है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, पूंजी के विनियोग की। अब ये पूंजी कहाँ से अरेंज की जाए, जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम पूंजी की आवश्यकता होती है हम लोन्स, बैंक लोन्स को देखते हैं। बहुत सारे बैंक हैं जो लोन देते हैं लेकिन उनमें पेपर वर्क काफ़ी होता है, तो इन पेपर वर्क से बचने के लिए जो ये उद्योग होते हैं या उद्योगपति होते हैं, लघु व्यवसायी हम कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो उद्योगपतियों से ऋण लेते हैं, जो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादा ब्याज दरों पर होता है, लेकिन चूंकि ये बाकी प्रोसेस से बच जाते हैं इसलिए क्या करते हैं, ये जो पूंजी है वहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे पहली समस्या ये आती है कि इनको वित्त की समस्या का सामना पहला करना पड़ता है। दूसरी समस्या है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि आपके शहरों में अक्सर हैंडीक्राफ्ट्स के मेले लगे होते हैं, वहाँ पे चीज़ें कंपेरेटिवली महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो हाथों से बनी होती हैं, दूसरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तीसरी चीज़ वो कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि मशीनों से बनी हुई चीज़ें जो है वो कम समय में और कम खर्च पर बन जाती हैं, इसलिए वो कम जो है वो कम कीमत पर अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें इनको बनाने में समय लगता है और इनमें आने वाली कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है बड़े उद्योगों के साथ इनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन या बड़े उद्योगों के साथ इनको एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अगला अगर हम देखें, अगली समस्या पर जोर दें, तो अगली समस्या है कच्चे माल की समस्या। बिल्कुल सही बात है, रॉ मटेरियल। दो तीन चीज़ें हैं, जैसे हम पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर अगर जोर दें तो अगर हमारे पास फंड या वित्त नहीं होगा तो उस स्थिति में दो चीज़ें होंगी। वित्त अगर कम होगा तो हम जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल लेंगे उसकी क्वालिटी जो है उतनी बढ़िया नहीं होगी, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो फाइनल गुड़ या अंतिम उत्पाद बनेगा वो भी उतना बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक जो प्रॉब्लम है वो फंड की है, वित्त की है। तो यहाँ पर कच्चे माल की समस्या आती है। अब पैसे नहीं है तो या तो कच्चा माल नहीं होगा जिससे कि जो टारगेट मिला है या व्यवसायियों को या लघु व्यवसायियों को जितने वस्तुओं का उत्पादन करके देना है वो अपनी टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर कम अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो अंतिम उत्पाद कैसे अच्छा हो सकता है। तो यहाँ कच्चे माल की समस्या भी आती है।
अगला जो हम देखते हैं, अगली समस्या है वो है विपणन की समस्या। यहाँ पे भी बात आती है मार्केटिंग की, क्योंकि यहाँ पे भी फंड रिक्वायर्ड है या पूंजी रिक्वायर्ड है, वित्त की आवश्यकता है। जब वित्त की समस्या पहले शुरू से ही बनी हुई है तो विपणन भी शुरू से ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस दिशा में क्या होता है, जो लघु व्यवसायी होते हैं वो मध्यस्थों का उपयोग करते हैं विपणन के लिए, जिससे क्या होता है उन्हें जो है उनको विपणन के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं, लेकिन चूंकि ये जो लोग होते हैं उनमें उतनी कौशल नहीं होती कि विपणन उतनी अच्छे तरीके से कर सकें, तो जिससे कि इनको जितने अच्छे तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए, इन वस्तुओं को जितने अच्छे तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए वो नहीं आ पाती और उनकी सेल नहीं हो पाती। जो अगला बिंदु है या अगली समस्या है वो कहती है तकनीकी की समस्या। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कम मशीनों पे बेस्ड होते हैं, मशीनों पे बेस्ड हैं बट कम है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लेबर बेस्ड होते हैं या श्रमिकों पर बेस्ड होते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम या तकनीकों की समस्या आती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर रोज़ कोई नई चीज़ आती है और नई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ता है। अगर हमें व्यावसायिक वातावरण में बना रहना है तो समय के हिसाब से चलना है और उन तकनीकों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। लेकिन हम अगर लघु व्यवसायियों की बात करें या व्यवसायों की, तो ये आज भी ट्रेडिशनल बेसिस पे चल रही हैं, जैसे पहले चल रहा था वो आज भी चल रहा है। इन्होंने कुछ भी नया जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया या नई टेक्नोलॉजी नहीं ली है, तो इस स्थिति में जो समस्याएं आ रही हैं इनको सस्टेन करने में या व्यावसायिक वातावरण में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में वो ये समस्या इस वजह से भी आ रही है। अगला बिंदु जो है वो कहता है शक्ति की उपयोगकर्ता। अब यहाँ पे जब इनके पास फंड ही नहीं है तो बट ऑब्वियस हम कह सकते हैं कि इनके पास पावर भी नहीं होगी। और अगली बात आती है सूचनाओं एवं परामर्शों का अभाव। फिर से वही बात, जब फंड की कमी है, वित्त की कमी है, तो यहाँ सूचनाएं, परामर्श सारी चीज़ों की का अभाव हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये अपने व्यवसाय को किस तरीके से आगे बढ़ाएं या उनके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर है, उनको ज़्यादा सेल कहाँ मिल सकता है, उनके इस व्यवसाय का स्कोप कहाँ है, ये सारी सूचनाओं से वो वंचित रह जाते हैं, तो जिससे ये समस्याएं भी लघु व्यवसायों को इनका सामना करना पड़ता है। अगला बिंदु हम देखते हैं वो है कुशल प्रबंधकों का अभाव। जैसे कि आप जानते हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को या अपनी ब्रांड या अपनी कंपनी को मार्केट में बनाए रखने के लिए बढ़िया मैनेजर्स हायर करते हैं, वेल ट्रेन्ड, वेल मैनेज्ड, वेल एक्सपीरियंस जो मैनेजर्स हैं उनको हायर करते हैं। लेकिन यहाँ लघु व्यवसायियों के, क्योंकि हम फंड की दिक्कत या वित्त की समस्या हम पहले बिंदु से जिसकी चर्चा करते आ रहे हैं उस वजह से भी यहाँ पे अच्छे प्रबंधकों की कमी पाई जाती है। क्योंकि अगर कोई कुशल व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको उसके तरीके से एक अच्छे जो आय है उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो यहाँ पर फंड की कमी या वित्त की कमी की वजह से भी क्या होता है, कुशल प्रबंधकों की कमी हो जाती है और जिससे लघु व्यवसायों को आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु कहता है कि प्रमाणीकरण का अभाव, स्टैंडर्डाइजेशन। दो तीन चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। पहली चीज़ वस्तु की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो लोगों को, मतलब जो श्रमिक हैं उनको जो कार्य के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, वेतन दिया जा रहा है, उनको भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इन चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता है। और जो अंतिम हम समस्या देख रहे हैं वो है कि अन्य समस्याएं। इन समस्याओं के अंतर्गत विज्ञापन की समस्या, बीमार इकाइयाँ, कच्चे माल को कहाँ से हम अच्छी तरीके से अर्जित कर सकते हैं, ये अपने प्रोडक्ट के लिए हम एक अच्छा मार्केट कहाँ से ढूंढ सकते हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो आपने लघु उद्योगों के सामने किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं इनको भी जाना है।